हेलो दोस्तों, कैसे हो आप साहब। हम इस कॉपर क्लैड बोर्ड पर इस सर्किट डिज़ाइन को बनाकर दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस के लिए हम फेरिक क्लोराइड केमिकल का यूज करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक कॉपर क्लैड बोर्ड लेना है। दोस्तों, उस कॉपर क्लैड बोर्ड को पीसीबी आपको डिज़ाइन करनी है, उसके साइज के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेना है। और ये प्रिंट कैसे निकालना है, इसमें भी बहुत बड़ा लॉजिक है। दोस्तों, दो तरह के प्रिंटर होते हैं। दोस्तों, एक होता है इंक जेट प्रिंटर और एक होता है लेजर जेट प्रिंटर। दोस्तों, लेजर जेट प्रिंटर होता है दोस्तों, लेजर जेट यानी कि जिससे ब्लैक प्रिंट निकलता है। उस प्रिंटर से हमें फोटो जिस शीट पर निकलता है उस पे हमें प्रिंट करना है। दोस्तों, हमें चीज़ें चाहिए, हमें इस काम को करने के लिए एक फेरिक क्लोराइड चाहिए, कॉपर क्लैड बोर्ड चाहिए। जिस भी सर्किट का डिज़ाइन बनाना है उसे हमें फ़ोटो शीट पर लेजर जेट जो प्रिंटर होता है उसकी मदद से प्रिंट कर लेना है। क्लॉथ वाली जो आयरन होती है वो चाहिए हमें, उसे हाई टेम्परेचर पर सेट कर से पहले आपसे क्लीन कर लेना है। दोस्तों, इस कॉपर क्लैड बोर्ड को हमने साइड में, ये जो कॉपर है दोस्तों उस साइड में, दोस्तों आपको 5 to 10 मिनट तक अच्छे से दिख रहा है आपको, हमने अच्छे से इसको प्रेस कर दिया है। बिल्कुल हिट है और इसी कंडीशन में ये हिट होना चाहिए। आपको धीरे धीरे करके तरीके से इसको इस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरीके से धीरे धीरे करके इसे उतार लेना है। डिज़ाइन था दोस्तों बिल्कुल छप चुका है। दोस्तों, ये जो डिज़ाइन था इस पर, और जहाँ भी आपको लगता है कि डिज़ाइन कहीं से सही से प्रिंट नहीं हो पाया है, वहाँ पे आप परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कंटेनर लेना है दोस्तों, फेरिक क्लोराइड केमिकल ले लेना है। सेफ्टी बरतें दोस्तों, क्योंकि केमिकल है ये, हमें इसमें ऐड करना है पानी और हमें ये जो पीसीबी है इसमें ये डिप कर देनी है। कंटेनर को इस तरह इसके लाना है, 5 to 10 मिनट, मेरे हिसाब से 10 मिनट में ये हो जाएगा। ये जो फेरिक क्लोराइड है, जहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है वहाँ जहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ था जिस स्पेस में, कॉपर को ये एक्शन करके ख़त्म कर देगा वहाँ से, और जहाँ कार्बन कि फिल्म लगी हुई थी वो कॉपर वहाँ पे शेष रह जाएगा, तो हमारा जो ट्रैक है वो बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों, धीरे धीरे करके ये जो एक्स्ट्रा जो कार्बन जहाँ लगा हुआ था वो कॉपर सेफ है, और जहाँ जहाँ पे ये जो डिज़ाइन नहीं था वहाँ का कॉपर निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो पीसीबी है वो बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा जो कॉपर था जहाँ पे कार्बन की लेयर नहीं थी वो निकल चुकी है। अब हम इसे साफ पानी से क्लीन करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से यहाँ डिजाइन है, प्रिंट हो चुका है। दोस्तों थिनर ले लीजिए और थिनर की मदद से ये जो एक्स्ट्रा जो इस पे लगा हुआ जो कार्बन है वो इजीली निकल जाएगा। दोस्तों, हमने आपको प्रैक्टिकली ये मेथड करके दिखाया है। आप इस मेथड का यूज करके अपना जो सर्किट बोर्ड है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, तो प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि यहाँ जो इस कॉपर क्लैड बोर्ड पर जो ये जो सर्किट बन के तैयार हुआ है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, जो हमने प्रिंट यूज किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ सर्किट बनके तैयार हो चुका है। कॉल कर लीजिए और कंपोनेंट फिलिंग के द्वारा आपका जो सर्किट बोर्ड है वो बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अगर दोस्तों हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। दोस्तों, अगर अब भी आपकी कोई क्वारी रह जाती है दोस्तों, तो हमें कमेंट करके बताएं, उसका हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।